अरे राजा चल हाथी घोड़ा, अरे छतवा लगाई के राजा चल हाथी घोड़ा। रोबे ललन पापा पापा कही चिलाई हो, रोबे ललन पापा पापा। तैयारी में बाबा बाबा दियो राजा, दियो दियो दियो, क्या बात है। क्या बात है ए अशोक बाबू, रमा शंकर भैया तो ऐसा ऐसा गीत बजावे ले, सला बुढ़ौती में मन हरियर आ जाला। कौनो नौजवान लड़का कौनो नौजवान लड़की के देखले हो तो करे तनी सुंदर खूबसूरती हो दादा। अरे आंख तो बाप रे बाप कजरारे कजरारे हो, वो लड़का वो लड़की के करीब पहुंच के कहले बा कि तुहरा ले सुघर मेहरारू औरत हम देखले ना कहीं। गीत के लाइन में बतावत बा भैया, आखिया के निरखी रे का जरा बिदिया करे सो, आखिया के निरखी रे का जरा बिंदिया करे सो रहो, अरे गलिया के चुमे कन बलिया भड़केला छतिया मु, भाव है या तर्ज है, किसी आशिक और किसी मासूका के बीच की बात है। देख के रामा शंकर भैया ने होकर आंख बाए बाबू, हमारा हितवा नहीं और कोई गाल बा। ये देख के लड़का कहले हो का, अरे जहिया से देखले बानी तोहरो सुरतिया, मनवा में बसल बाटे तोहरो मुदती, आखिया के निरखी रे का जरा बिदिया करे सो, गलिया के चुमे कन बलिया, गलिया के चुमे कन बलिया, मित्रों उजाला फिल्म जो हमारे भाई भी हैं और उसके डायरेक्टर भी, भाई उमेश जी गाजीपुरी और हमारे परम मित्र
जिन्हें संगीत में वामहस्त हासिल है, जो स्टूडियो तो चलाते हैं, और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कोई कलाकार रिकॉर्डिंग कर सकता है, वही कलाकार रिकॉर्डिस्ट हो सकता है जो गीत और संगीत की भाव को समझता है, जिसने संगीत को जिया है, जो संगीत को जानता है, वही कलाकार की भावनाओं को अपनी स्टूडियो के माध्यम से उजागर कर सकता है। ऐसे अपने परम मित्र स्टूडियो के मालिक बड़े भाई सोनू मिश्रा जी, जिनके तत्वाधान में, जिनके दिशा निर्देश में यह कैसेट मैं आप लोगों के बीच गा रहा हूं। काफी दिनों के बाद पुनः विधा आपके बीच एक छोड़ रहा हूं। मैंने बहुत पहले ट्रिपल ए कंपनी से कैसेट गाया जिसमें मीरा मूर्ति और हमने गाया कबूतरी के फेर में, जिसका प्यार दुलार बड़ी मिला, लोगों ने बड़ा सराहा, उस गीत को पसंद किया। मैं पुनः आपके बीच में आपका भाई, आपका बेटा हरेंद्र सिंह जिला बलिया, अपने तमाम साथी, हमारे रामा शंकर भैया, हमारे राम बच्चन भैया, हमारे अशोक बाबू, हमारे कृपा शंकर भैया, हमारे राम निवास भैया जो हमारे साथ संगत कर रहे हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए मैं वह बिरहा आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपने बहुत बिरहा सुना होगा, कहीं किसी बहन की बलात्कार हो जाती है, कहीं किसी की हत्या हो जाती है, लेकिन मैं आपके बीच एक ऐसा बिरहा प्रस्तुत कर रहा हूं जिस बिरहे का शीर्षक होगा शराबी बाप। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं मित्रों कि परिवार का अगर मुखिया ही गलत रास्ते पर चला जाए तो उस परिवार का विनाश हो जाया करता है। इसलिए बाप का वही फर्ज है कि वह संस्कार अपने बेटे में भरे, जिस संस्कार के तहत उसका बेटा आगे जाकर उस परिवार का नाम रोशन करे। इस विधेय का शीर्षक होगा शराबी बाप, और मैं आपके बीच ऐसा विधा प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस विधेय में ना कहीं बलात्कार होगा, ना किसी की हत्या होगी, ना किसी को सताया गया होगा। एक ऐसे दुखद परिवार की घटना जिस परिवार का मुखिया ही उस परिवार का नाश का घोतक बना है। बना क्या मास्टर, जो मैं उस भूमिका को बोलने जा रहा हूं, आप तमाम मैं जानता हूं बिरहा श्रोता प्रेमी, चाहे पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन बिरहा ऐसी भाषा है जिस बिरहा को हमने कभी लुप्त होने के लिए कसम खाई है कि हम लुप्त नहीं होने देंगे। हमारे गुरुदेव हमेशा बिरहा के प्रति सजग दृष्टि रखे हैं। बी मने बिरह, र मने राग, ह मने हृदय, बिरह से हृदय से जो बिरह की राग निकलती हो उसको बिरह कहते हैं। मैं इस भूमिका के माध्यम से बताना चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि जमाना बदल गया, समय बदल गया। मैं इस भूमिका के माध्यम से एक संदेश और एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वह प्रश्न क्या है, कि इंसान बदला या बदला जमाना, संगीत बदली या बदला तराना, बन गई आज रंगीन ख्वाहिश की दुनिया, ए भाई समझ में न आता है अपना बेगाना, दनौता मनौता पे हावी हुई है प्रेम बंधन, जहां में भटकने लगा हे श्याम देव पावक पे सरित खिली, बाके जल्लज भी हरदम मटकने लगा। इतनी बढ़िया भाव, इंसान बदला या बदला जमाना,
संगीत बदली या बदला तराना, बन गई आज रंगीन ख्वाहिश की दुनिया, समझ में न आता है अपना बेगाना। दनौता मनौता पे हावी हुई है प्रेम बंधन जहां में भटकने लगा, ए श्याम देव पावक में गुलशन खिला, पाकि सरिता भी जलज भटकने लगा। एक लाइन कव्वाली के नमूना हमारा कैसे, और कव्वाली का भाव है क्या, क्या बात है, दरदार दरदार एक दर्द की बात है, क्या क्या भाव में कहता है, एक मासूका और मासूक के बीच की आवाज, बाबा की दर्दे दिल की, ओ दर्दे दिल की दर्दे दिल की कहानी सुना कर, दर्दे दिल की कहानी सुना कर, ख्वाब में आप हमको रुलाए, दर्द दिल की कहानी सुना कर, ख्वाब में आप हमको रुलाए, आप आने का वादा किए थे, ओ आप आने का वादा किए थे, पर मिलन की घड़ी में ना आए, लाइन में कभी ने गजब का भाव लिखा कि अये खुदा इस अये खुदा इस सुनहरे धरा पर, ये सुंदर सा धरती, ये सुंदर सा मानव के लोग, ये सुंदर सी प्रकृतियां, ये सुंदर सी व्यवस्था, ये सब कुछ जो धरा पर है वो आपकी देन है। प्रश्न कर रहा है, अये खुदा इस सुनहरे धरा पर, अये खुदा इस सुनहरे धरा पर, तू गजब का करिश्मा दिखाया, धरा पर तू गजब का करिश्मा दिखाया। और आप क्या करते हैं ए मेरे परवरदिगार आलम, हद से ज्यादा किसी को हंसा कर, हद से ज्यादा किसी को हंसा कर, जीव भर तू उसे है रुलाया, हद से ज्यादा किसी को हंसा कर, कहानी कहां के हो, बिरहा कहां के हो, कौन सी परिस्थिति में पैदा भइल बिरहा, नजम के लाइन लगल मास्टर, प्रांत बिहार में हमारे उत्तर प्रदेश के बगल में
जो प्रांत है, जो बिहार है, जो संस्कृति का धरोहर प्रदेश है, उस प्रदेश की बात मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रांत बिहार में जिला मुजफ्फरपुर सही, ग्राम पटियाला की अनोखी है दस्तूर सही। वहीं का रहने वाला, वहीं का रहने वाला साहनी परिवार रहा, वहीं का रहने वाला का, वहीं का रहने वाला साहनी परिवार रहा, खेती बाड़ी के बल ही जीने का अधिकार रहा। अब मैं बताना चाहता हूं उस परिवार में कौन कौन मुखिया थे। बेटा विकलांग पिंटू, बेटा विकलांग पिंटू बड़ी बहन शीला थी। बेटा उस माधो सिंह का बेटा, 8 वर्षीय बेटा, विकलांग था, पैरों से विकलांग था, लेकिन बेटा विकलांग पिंटू बड़ी बहन शीला थी। पिता का नाम माधो, माता जी उर्मिला थी। लेकिन बतौने की विधायक शीर्षक हो शराबी बाप, बहुत सुंदर परिवार था, एक ही बेटा भगवान ने दिया था जो दोनों पैरों से विकलांग था। बड़ी बहन 12 वर्ष की शीला थी। भाई और बहन के बीच बड़ा प्यार दुलार रहे हो। माई का नाम उर्मिला, माई अपने दोनों बेटा बेटी से बड़ा प्यार दुलार करत। एक कही गलती काम रहे माधो के, बड़ी कष्टकार था, 20 बीघे का कष्टकार। एक बड़ा बढ़िया ऐब रहे अशोक भाई, वो में ऐब का रहे, माने ना बात माधो बेटी और मेहरारू का, माने ना बात माधो बेटी और मेहरारू का, आशिक बन गया थरंडी और दारू का। मैं बताना चाहता हूं मित्रों, कमाईबा तब पी लेबा कोनो बात ना बा। खेती कही के चाह कि रोज दारू पी, रोज नया मेहरारू खोजे, तई विनाश के घोतक हो। कितनों मेहरारू मना करे क्रिया खाए, अपने बेटन के दारू मत पी, लेकिन ओकरा पर असर ना होखे। दारू पीता था और जब शराब जाता था, अंदर जाता था, तो नई नई जुगाड़ खोजना शुरू करता। तो जुगाड़ तो देहात में मिली ना, वो क्या करता था, दारू पीता था, सीधे बाजारू औरतों के पास जाता था और पूछता था, भैया ये मार्केट में कौन नया नया चीज बढ़िया आई लो। पहुंचता था, क्या करता था, बेचता खेत माधो बेस्या पास जाता था, बेचता खेत माधो बेस्या पास जाता था, पता कुछ पैसा वो परिवार में दे जाता। अब जब पियबा कमाई है ये ना, तो कैसे पियबा, ये करे माधो हो रामा शकर भैया, गहकी तय कर ले, बोली लगावे कि हम 1 बीघा खेत के 1 लाख में दे दे, दूसर का कहे 1,10,000 ले ला, तो जाके कहे कि भैया फलनवा तो 1,10,000 देता, तू कितना देबा, तो कहे कि 1,15,000 दे दे, लिख दे। धीरे धीरे पीने के चक्कर में, बेसावृत्ति के चक्कर में 20 बीघे का कष्टकार वो हमाधो सहानी 18 बीघा अपनी जमीन को बेच दी। बेटी रोवत हियो, बेटा रोवत बा, पत्नी रो रही है। एक दिन अपने दोनों बेटी और बेटा को लेकर के उर्मिला अपने पति के चरणों में गिर जाती है कि सैया, एगो तो विकलांग बेटा बा, है बेटी 12 वर्ष भेल, शादी करे के समय आई, धीरे धीरे पियला के चक्कर में, अपनी जवानी के चक्कर में, ये आदत के चक्कर में 18 बीघा जमीन सैया जी बेच दिया। अब बताओ 2 बीघा जमीन बचल हो, ये 2 बीघा में बेटी के ब्याह करबा, भाई देवे भगवान न करे तहार कुछ हो, काले तहार कुछ हो जा,
बतावा ही दोनों पैर से भगवान एक विकलांग बेटा पैदा किया। ये बेटा के करे सहारे जी ही पत्नी पति के चरणों में गिर जाती है, दोनों बेटा बेटी के लेके यही बात करें विदिशिया के लाइन में कहना मास्टर। कि धीरे धीरे बेची दिहाल अरे सगरो जमीनिया हो अरोई रोई बोली माधो सिंह के दूला गिनिया। मलत बेच दिया राजा एक बीघा खेत बचल एक जानी बेची हा सैया। अरे कहवा से मिली है दूनो बचवन के भोजनिया। माधो नसीब में नहीं था, जब पत्नी और अपने बेटों को अपने पैर पे गिरी हुई देखता है, बच्चा रो रहा है, बेटी रो रही है, पत्नी रो रही है, नसीब में नहीं है। कहा यार मैंने तो बहुत गलत काम कर दिया, ठीक है वादा करता हूं आज के बाद मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, कभी किसी बाजारू औरत के पास नहीं जाऊंगा, उर्मिला मैं तुम्हारी कसम खाता हूं। धीरे धीरे परिवार चले लगल, बिल्कुल माधो दारू पीना छोड़ दिया, बाजार जाना छोड़ दिया, लगा कि सुधर गया, समय चक्र चलता गया। 6 महीना बीत गई, माधो कभी अपने गले के अंदर दारू का एक बूंद नहीं ले गया भैया। 6 महीना के बाद कलकत्ता में नौकरी करता था बीड़ा कंपनी में माधो का मित्र बैजनाथ, वह बैजनाथ जब छुट्टी आता है माधो को बुलाता है, कलस की माधो चला तनी शहर घुमा ले आई। कला भैया शहर तक छोड़ दे रहे हैं लेकिन अब तहार मिजाज बा तो हम शहर चलबे करब, लेकिन भैया हम कुल मल छोड़ दे रहे ना पियत है ना कोनो हमर व्यवस्था ना, बस शहर में चला तेरे संगे घूम ले। कला चल 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 कुछ ना बात बचा, शहर में ले गया भैया हो मॉडल साहब दारू की दुकान पर अपने मित्र को बैठा देता है। एक बोतल दारू की लस कलस की लस तनी तनी ले ले जब ना भैया ना हम अपना बेटा बेटी पत्नी की कसम खेले ही दारू ना पिया। कहा ठीक है बैठो दारू मत पियो मैं पी रहा हूँ। जब 2 पैक लगाया के अपने पियलस बजना थवा, अब तो लागल माधो के जीप लप लपाए ना कभी जी। कला से भैया देख अब तो हमारा मन मानत बाना ढेर ना तनी दुइये बूंद दे दे कि तनी कंठवा हमारा ठीक हो जा तनी से धार दे। बैजनाथ का कहलस कि हल्के पैक तनी बढ़ाई के लगाए गए। कलस भैया पूरा पानी ठेले है कुछ होई होई ना। जब तनी तगड़े 2 पैक मरलस हो कलर यार जवानी तो बड़ा दिन के बाद लौट यार करिया तर हो गए। ए भाई जब 2 पैक दे ही दिए ले तब तो तनी 1 पैक और बढ़ा दे। जब 3रा पैक मर गया अब तो जवानी चरचराइल हो। अब भैया जब 3 ही पैक दे दिया 1 पैक और बढ़ा दे तनी पटियाला लगा पटियाला। जब तनी पटियाला हो बाबा जब दारू दियाल हो अब तो लागल होकर जवानी कसमसाए ना कलस के बजनाथ भैया अब दारू तो पियाई दिया ले। लेकिन अब मेरा रुपये भाई अब सलाह दारू के बाद अब हमार तनी मन मचलत बाबा कहता कहे सुन ले ही ना फलनवा बतौलस के वो बाजार में बड़ी सुखर चीज आएगा देख हम कुछ करम ना जीवन करे कोई ते ही कह लिए पच्ची को चुम्मा ले। धीरे धीरे एक बोतल दारू दोनों मार ले ले अब पैर कबो है नहीं पड़त भैया ए भैया वा तनी हमका ओ कजरी के ले चलता। कजरी के पास पहुंचले भैया मार दाम खचाखच जात बा 3-4 दिन ना 1 महीना बजनथवा रहा ले 1 महीना में आदत बिगाड़ दिया। अब 1 महीना के बाद जब छुट्टी चल गई तब कहां से पिए अनुसार अब कहलन कि कोना विधि पी रे दादा। अब मन घटघटात बा कहलन कुछ ना कुछ तो उपाय करे कि परी चला सारी 1 बीघा जमीन बचल हो ना लेकिन कोना विद्या से कोना उपाय से वो जमीन के बेची। देखिए खड्यंत करता है वह शराबी बाप अपने बेटा और बेटी और पत्नी के साथ कैसा खड्यंत रचता है। अपनी पत्नी के पास जाकर के झूठ बोल रहा है कला हो
ए पिंटू के माई काजी, ए पिंटू के मम्मी, देखा ना एगो हम बात सुननी है कि पटना में एगो ऐसा कॉलेज बा, ऐसा स्कूल बा जेने स्कूल में विकलांग लइकन के पढ़ाई होकेला। वो विकलांग स्कूल में अगर अपना बेटा के हम एडमिशन करा देती तो जे भी हमें पढ़ेला या ताए सोकेला चाहे इंजीनियर होकेला। तो कल सैया उम्मीद तो बड़ा फीस लागत हुई, कहा फीस तो लागेला, तो फीस की व्यवस्था कैसे हुई समझावत बा कि देख अपना चक्कर में, अपना पियाला के चक्कर में, अपना ऐसो आराम के चक्कर में जब 19 बीघा बेच देने तो बेटा के जिंदगी के सवाल बात का बेटा खातिर दुतन माड़ा बेच दिल जाइए, बेटा के जिंदगी बच जाओ, जिंदगी बन जाओ, इंजीनियर बन जाई, आईएएस बन जाई, पीसीएस बन जाई, तो उतना जमीन कितने बक्सर में खरीद ले। कहे तो बतिया तर वहाँ ठीक है करते तो बात तो पक्का कर ले हैं, लेकिन कहलस का मास्टर क्लाइंट तर्ज बा विष्णु ओझा गीत के गौलन और गीत है कौनो के बिया भइल बा अभी गावना भइल ना बा। अब भाई अब तब ब्याह होत बा तो गावना होते ना बा, जवनी में ब्याह होत बा तब विदाई हो जाता, लेकिन पहले ब्याह होके बाद गावना होके 7 बरिस पास हो भैया एने 5 बरिस पे जवानी ठिठोली कर सबकर जवानी अड़ात नहीं खे गुए के लैका चका चका आँख मार तरसन जेने जाती है तेने ओकरा के छेड़ तरसन अपने मर्दे के लगे फोन करतिया के राजा आईबा कि ना आईबा दुलावा कलस की का आई दे गावना भइबे ना कही केवल लिमे के तोरा जाई घरे अगर घरे जाई रे घर के लोग जान जेहन तल गए तोरा गांव के लोग कहन के देखा आई आ गई गावना भइबे ना तब दुलहिनिया फोन पे समझावत बिया का कहते मास्टर लगल मास्टर की गवना के बात, अरे गवना के बात है अपना, गवना के बात है अपना, मन से भूला जा रजऊ बहर से बाहर आजा भेंट हो जाए। भाव लगल विरह में भैया एक दिन बोला माधो, एक दिन बोला माधो घरवे पे जाई पिंटू करी है पढ़ाई जाके पटना की अगर पढ़ाई करिए तो हो ही का तब जौन बा माधो बताओ बा पढ़ ली है पिंटू नौकरी मिली सारा का दूर हो जाइए गरीबी के बेमार बचली जमीनिया के, बचली जमीनिया के देला बेचवाई पिंटू करी है पढ़ाई जाके पटना कालस की छवे मारा बेचब गहकी तय कर लेल गहकी सेट कर लेल भैया हो अच्छा मारा बेचला के बहाने वह माधो हरामी पूरी पूरी जमीन बेच दिया। पत्नी के हाथ में 5,000 रुपया दिया, कहा कि बाकी पैसा ले जा रहा हूं एडमिशन करा करके वापस आऊंगा। अपना विकलांग बेटा, दोनों पैर का विकलांग बेटा के ले के बाबू मुजफ्फरनगर स्टेशन, मुजफ्फरपुर स्टेशन पर माफ करेंगे, मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुंचता है, टिकट कटाता है, ट्रेन का इंतजार करता है। जब ट्रेन आती है तो अपने बच्चे को लेकर ट्रेन में बैठ जाता है। बगल का साइड में सीट होता है आमने सामने वाला,
आमने सामने वाले सीट पर, बगल वाले सीट पर अपने बेटे को बैठाया है, इधर वाले सीट पर अपने बैठा है। जब ट्रेन चलती 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 काफी दूर निकल जाती है, अपनी बगली से सुरती का डिबिया निकालता है, मलता हुआ जो ही सीट से उठता है, पिंटू कहता है, पापा कहाँ जा रहे हैं आप? कहा बेटा तुम बैठो, ये शरीफ लोग बैठे हैं, सज्जन लोग बैठे हैं, यहाँ सुरती का मैं ताल ठोकूंगा बेटा, सब बुरा मानेंगे बेटा, मैं गेट से सुरती खा करके वापस आ रहा हूं बेटा, तुम यहीं बैठे रहो। पिंटू बेचारा बैठा है, देख रहा है, दृश्य देख रहा है कि वाह क्या दृश्य है, गाड़ी चल रही है, पीड़ आ रहे हैं, पीड़ जा रहे हैं, दृश्य का आनंद ले रहा है। धीरे धीरे जाकर के गाड़ी एक रेलवे स्टेशन पर रुकती है, देख रहा है कि पापा अभी वही खरती खैनी फटकत हुआ, खा के खड़ा हुआ, सीटी देती है ट्रेन, ट्रेन जो वही खुलती है, हल्का सा स्पीड पकड़ती है बाबू, वह आवारा बाप शराबी बाप जो दोनों पैरों से विकलांग उसका बेटा है, उस बेटे के छोड़कर चलती ट्रेन से कूद जाता है। जब चलती ट्रेन से कूद जाता है, बेटा देख रहा है कि मेरा बाप मुझे छोड़कर भाग रहा है, वह विकलांग बेटा खिड़की से हाथ डालकर कह रहा है, पापा किसके सहारे हमें छोड़कर जा रहे हो पापा? सीट से उतर करके भागना चाहता है, जब गेट पर जाकर के पापा पापा चिल्लाना चाहता है, उस समय कुछ लोग उस बालों को पकड़ लेते हैं, लेकिन बच्चा रो रो करके यही कह रहा है, क्या कह रहा है, कहें तर्ज हो मास्टर, भैया हो पुरान पंथ के चाउर खजला ढेर पड़ेला, आजकल तो नया नया गीत ऐसा आइल हो, एगो गीत आइल बा रामा शकर भैया, गीत आइल बा कि याद कर जहिया कुमार रहलू, पियावा से पहले जान तनी, सबसे बड़ी गीत के खासियत का बा बाबा, ये गीत के बड़ खासियत बा कि गीत उहे बाजत बा जहां जयमाल होत बा, दुल्हा दुल्हन बैठल हवन, दोनों आपस में जयमाल कर कैसे जो बैठल हवन, तले लड़किया को ताकेली ना, तो ताकेली तले अचानक ही निगाह कौन लड़का पर पड़ गई बा, तो वो म्यूजिक बाय तो लड़का इशारा करता कि याद कर जहिया खुआर रहलू वही पियावा से पहले हमार रहलू, लेकिन उ ना हो इ गीत हो, इ कबो पुरान ना हो, इ भाव कबो पुरान ना हो, हमार बुल्लू उस्ताद राम दोस्ताद परशुराम गुरु जी जब ये गीत के गावे तो रोवा खड़ा हो जा, कैसे गावे मा अरे राजा चले हाथी घोड़ा, अरे छतवा लगाई के राजा चले हाथी घोड़ा, लेकिन बिरहा में भाव बड़ी सुंदर हो, लड़का रोवा तो बाबू हाथ खिड़की से निकाल के ये कहत बा, रोवेला ललन पापा, रोवेला ललन पापा, पापा कही चिल्लाई हो, रोवेला ललन वो, रोवे ला ललन पापा, पापा कहीं चिल्लाई हो, रोवे ला ललन पापा कहीं चिल्लाई हो। ट्रेन रुकी हुई है, दोनों लोग पकड़े हुए हैं, बाह पकड़ करके, बाह पकड़ करके कहते हैं कि पीछे आओ, जल्दी ट्रेन से कूद कर मरोगे क्या? ट्रेन खुल गई, कभी ने रचना बड़ी सुंदर किया, खुल गई ली ट्रेन लाल करेला रुदना, देख के हाँ
सबकर देख के हालात सबकर बरसे नयना रोवेला ललना पापा पापा कहीं चिलाई हो रोवेला ललन पापा खड़ा भइल बेगाड़ी पटना में जाई हो रोवेला ललन पापा पापा कहीं चिलाई हो लड़का रोवत बा पापा किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं दीदी घर पे मम्मी घर पे पापा आपने तो वादा कर करके लाया था कि हमें पढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं दीदी को क्या जवाब देंगे पापा मम्मी को क्या जवाब देंगे पापा इस चलती ट्रेन में मैं दोनों पैरों से बिकलाऊंगा आपके बेटा किसके सहारे जीऊंगा पापा किसके लोग पांव पकड़ते हैं ट्रेन चलने लगती है वो लड़का रो रहा है बिलख रहा है धीरे धीरे गाड़ी जा करके पटना स्टेशन पर रुकती है बाबू तमाम यात्री उस ट्रेन से उतर करके चले जाते हैं वह विकलांग लड़का ट्रेन में बैठा है जब सारे लोग चले जाते हैं धीरे धीरे लंगड़ते हुए जब नीचे उतरता है इतनी बड़ी दुनिया कभी देखा नहीं गांव का लड़का वह प्लेटफार्म देखता है अवाक रह जाता है कि मैं कहां जाऊं भूख लगी है किसके सहारे जीऊं अचानक सारी दुनिया के लोग चले गए ट्रेन पे जो सवार थे लोग चले गए वह लड़का रो रहा है अचानक पीछे से एक आवाज आती है बेटा जब बेटा का आवाज सुनता है तुझे याद आता है कि लगता है मेरी माँ आ गई जय घूम करके देखता है फटी कपड़े में जिसके शरीर पर मच्छियां भिन भिना रही है बाल उलझा हुआ है एक औरत सामने खड़ी है कहती है बेटा क्यों रो रहा है तू कहां का रहने वाला है क्या बात है कहता है माँ पूरी कहानी बताता है माँ मेरा कोई नहीं है माँ मेरा शराबी बाप मेरी माँ और मेरी दीदी से भाना करके माँ इस पटना में इस ट्रेन में चलती ट्रेन में छोड़कर चला गया माँ मेरा कोई नहीं है माँ औरत कहती है अरे पागल मैं तेरी माँ देवकी ने भले कन्हैया को पैदा किया लेकिन पालने के काम जसोदा ने किया आज के बाद मैं तेरी माँ हूं उस लड़के को लेकर के चली जाती है अपने घर परवरिश करना शुरू करती है एहर बात एहर के छोड़ा ओहर कह रहा है कि छय मांडा जमीनिया बेचब लेकिन बेच दिया घरवा दुआरवा पूरा जमीनिया जीवना के जमीनिया बेचलस जब जाके वकील पुलिस फोर्स लेके अपन जमीन हड़प लेलस तो उर्मिला सोचलस क्यों हो जब शीला के साथ अपनी बेटी के साथ अपनी पत्नी के साथ धोखा कर सकता है तो निश्चित तौर पर मेरे बेटे के साथ भी धोखा कर सकता है तुरंत अपनी बेटी को लेकर के मुजफ्फरपुर स्टेशन आती है टिकट लेती है और पटना के लिए प्रस्थान करती है पटना उतर करके बाबू शहर में अपने बेटे को खोजना शुरू करती है एक चौराहा है उस चौराहे पर दोनों माँ बेटी रो रही है तब तक भीड़ जम गई है इकट्ठा भीड़ हो गई है जब भीड़ इकट्ठा हुई है उसी रास्ते से महरेवा थाना का इंचार्ज गुजर रहा है भीड़ देखता है गाड़ी रुकवाता है भीड़ को चीरते हुए जब अंदर प्रवेश करता है तो देख रहा है कि एक औरत एक बेटी एक 12 वर्ष की लड़की रो रही है और जब दरोगा के उर्मिला देखलस हो शीला देखलस हो दौड़ के दरोगा के चरणीय पकड़ लेलस के दरोगे साहब हमारे बेटा के मिलवाई है उस समय के गीत बा माता बहन जब पिड़िया के त्योहार आवेला सही पारंपरिक गीत है ये कब पुराण होई नहीं ये कब पुराण ना होई वही गीत के भाव हमारे कि आजय कदसिया अरे परसो दुई दसिया तिरसिया कहना ओ तिरसिया कहना आई है हमारो सजनवा तिरसिया कहना
विरह में कि देखली उर्मिला वही दरोगा काटे छनवा चरनवाई में ना। देखली दरोगा साहब के दौर के चरण में गिर गई, कहली कि साहब ए साहब इस दुखियारी माँ की एक बात सुन लीजिए साहब। कल बताओ क्या बात है। उसने बतावे लगली कहा कि देखली उर्मिला वही दरोगा काटे छनवा चरनवा में ना हो चरनवा में ना कर गिर के रुदनवा चरनवा में करीन साहब मेरे बेटे को खोल दीजिए साहब। कल क्या कहानी है बताओ, कहाँ तेरा बेटा खो गया, कैसा बेटा खो गया? कैसा हमारे को विकलांग बेटा। कल के शहर में तो हजारों हजारों विकलांग हो, कौन बेटा के तोरा खोजब, कुछ कहानी बताओ। उससे में बताना शुरू करती है क्या कि सैया शराबी बेचले सागरों जमीनिया बिनवा पहाड़ लागे काटले रैनिया एकरे सहारे होई गए लंगड़ा सुगनवा चरनवाई में ना एकरे सहारे होई गए लंगड़ा सुगनवा चरनवा में ना हो चरनवा में ना कर गिर के रुदनवा चरनवा में ना दरोगा साहब से, दरोगा साहब से अपनी सारी हकीकत बताती है वो महिला। दरोगा साहब को तरस आ गया, कहा कि तुम्हारे शहर में कोई रिश्तेदार है, कोई तुम्हारा हित नाथ है? कहली ना साहब। कहलन कि चलो मेरे घर एक नौकरानी की आवश्यकता है, तू मेरे घर नौकरी करो, चौका बर्तन करो, मैं तेरी बेटी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। साहब वह उर्मिला उस दरोगे के घर चली जाती है, नौकरानी के काम करना शुरू करती है। समय बीतता गया, उर्मिला जो 12 वर्षीय लड़की थी हाई स्कूल इंटर पास कर लेती है। दरोगा साहब के सिफारिश से पढ़ी लिखी वो लड़की थी, तेज तरार थी, बिहार पुलिस में महिला कांस्टेबल के पद पर तैनात हो जाती है। धीरे धीरे वो औरत जोन पिंटू के लेके गई हो वो औरत धीरे धीरे बुढ़िया हो गया। पिंटू भी 18 वर्ष के हो गया लेकिन पिंटू का काम बदल गया। पहले बुढ़िया भीख मांगे, अब पिंटू प्रतिदिन रेलवे स्टेशन पर जाता था, भिक्षा मांगता था, अपनी माँ को एक कोने में बैठा देता था, जो भिक्षा मांग करके लाता था अपनी माँ के आंचल में रख जाता था। तमाइयों पटने में, बेटियों पटने में, बेटा भी पटने में। तो उस सारे शराबी बाप कहा समय का तकाजा देखिए होता है क्या, जो बेटा दिन प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपनी मां के आंचल में डालता है उसी का बाप क्या करता है। एक लगा वे गीत मास्टर तरनरिया रवाई कबारी, अरे तरनरिया रवाई कबारी ऊपर श्याम गेन लगाए ऊपर श्याम के ना भैया इत गीत हो इतर गवाला, लेकिन बलिया जिला में ददरी के मेला जब लगेला नहान हो खेला
आज के दैया तो लोग गाड़ी घोड़ा से चल जात बा, पहलवा दैया लोग पैदले चले, सतुआ बांध ले गठरी में, सतुआ लेके चले तो नंद भौजाई जा सके, तो नंदी भौजैया रास्ता काटे खातिर मजाक करे हो रवा सकर दिया, तो मजाक करे तो होखे का गावे कि का होई पूरी मिठाई, अरे का होई पूरी मिठाई बलमा सतुई बीनत। ई तो होखे हो त ननदिए छौ के कहे कि आज हम गंगा जी में नहाई, आज हम गंगा जी में डुबकी लगा, डुबकी लगा के वरदान मांगब कि हमरो कहे सने लमहर भात आर में। उस समय भौजैया कहे हो कि कतनो न हईबू तू गंगा, अरे कतनो न हईबू तू गंगा पतर दुल्हा ना पहिबू रान, माई पटने में, बेटा पटने में, भाई पटने में, लेकिन बाप कहा भाव लगल मास्टर कि माधो करे पाकिट मारी, सार के जब पैसा उड़ा गए जेवन को खेत में चल दैया उड़ा गए, दाढ़ी वाढ़ी बढ़ाई ले हाटो टोल कपड़ा पहन के ओकर काम कर रहे, अरे माधो करे पाकिट मारी, हर माधो करे पाकिट मारी चेहरवा बनल बा भिखारी। मालिक का देन ये देखिए करिश्मा, माधो पाकिट मारना शुरू करता है लेकिन चोरी करता है तो किसका करता है? प्रतिदिन माधो प्लेट फार्म पर आवे, जेवनी पेने फार्म पर वो करे बेटा पिंटू लंगड़ी लंगड़ी भचक भचक, जाके ट्रेन वो ट्रेन चढ़ के भिक्षा मांग कर लिया वे अपने माई के आचर में दे, वही पिंटू के चोरी वो करे बाप क्यों नहीं भाव में करे। प्रतिदिन माधो प्लेट फार्म पर आवे, पिंटू बेचारा के वही पिंटू बेचारा के पैसा चोरावे, पिंटू बेचारा के जाता था उसी प्लेटफार्म पर, पिंटू भिक्षा मांगता था अपनी माँ के आंचल में पैसा डालता था, और वो बुढ़ी माँ जिसकी आंख की रोशनी कम हो गई थी वो पैसा डालकर जाता था, इन्हें जब दाढ़ी भर ले जाओ अचरवा में से पैसे लेके भाग जाओ। सांझ के बेरा पिंटुआ रोए लगे, जीआरपी वाला पूछलन कि अरे तू रोज भिक्षा मांगे ले दिनवा में तो ठीक रहे ले, संजिया के काहे रोवे लगे ले। सारी जब बात बताता है कहा कि जब आएगा तो चिल्लाना भाई का मास्टर, अरे गई ले धारा है अत्याचारी, अरे गई ले धारा है अत्याचारी चेहरा बनल बाप भिखारी। चिलैलन जही लड़का चिलैल पिंटू हो दौड़ा के जीआरपी वाला पकड़ लेलन बाबू, पकड़ करके थाने को सुपुर्द कर दिए। नतीजा का निकलल, माई भी पटना में, बेटी भी पटना में, बेटा भी पटना में, बापो पटने में। नतीजा का निकल फेरी गला इंद मास्टर,
अरे राम दनौता में हेराइल हीरवा कि माली भाईल बेगाना खिलल कली मुरझाइल अरे मुरझाइल के लाइन लगल मास्टर कहना है क्या एगो कहाऊ त भैया बाघ केतनो शेर होखे बहादुर होखे लेकिन जहिया सही हत्या कह देला तहिया ओकरो मौत निश्चिते हो। तो माधो ने भी बहुत अत कर दिया था। हुआ क्या कि सब हत्या के बाद ये भैया अरे बाघ मरी जाला बाबू गईले धारा एक दिन माधो बद कम धरायल हो। और देखिए खुदा का क्या करिश्मा है गईले जवानी थाना वही में वो क्यों ना थाना में गईल गईले जवानी थाना वही में सिला बीटी गिनिया बाबू पूछेला दरोगा कहवा पतवर वही थाना में गए पकड़ायल तो वही थाना में गए जौनी थाना में ओकरे बेटी पुलिस कांस्टेबल हो दरोगा उलाट के लगल मारे लबदे लबदे पीटा था पूछा था कहाँ के रहने वाले हो साले तुमको गरीब का लड़का विकलांग ही तुमको मिला था चोरी करने के लिए। जब बात सुन ल शीला के भी गुस्सा आ गया शीला मोटा बोंगरा ले ले हो भैया मने हो बेतवा जो ना से लोग सोज होला चोर लोगन के दवाई है वही बेत से जब पीटे लागा कह रे बेटी मत मारा बेटी मत मारा लेकिन ना शीला पहचानत है कि हमारे बाबू हवन न माधो पहचानत है कि हमारी बेटी दरोगा पीटने लगा पूछने लगा कहाँ के रहने वाले हो। उस समय माधो का कल सदर हल्ला के भाव लगा पूछेला दारोगा कहवा पतावा ठेकनावा हे बाबू माधो हो बतावे लागल पूरा इजा अरे सिला के नजरिया पड़ल माधो पे बाबू दुख के पहाड़ा बा गिरल बरिया जब उल्टा कई के दरोगा लगल मारे कलश की कहां के रहने वाले साले बताओ माधो बताया साहब मारो मत मैं मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला हूं पटियाला मेरा गांव है मैं शराबी साहब क्या बताएं शराब के नशे में मैंने इतना गलत काम किया साहब अपने विकलांग बेटे को चलती ट्रेन में छोड़ दिया अपनी बीवी उर्मिला से धोखा किया साहब अपनी बेटी शीला के साथ धोखा किया साहब डंडा से मत मारिए साहब डंडा से मत मारिए अरे साहब मारना है तो इस नीच को गोली से मार दीजिए। जब इतनी बात तू लड़की सुनलस की हमार पिताजी हर हर आंसू गिरे लगे आंसू गिरे लगल चाहे के तहे हाथ रुक गयल धीरे धीरे डंटा छोड़ के शाम हुआ थाने में बंद कर दिया गया लॉकअप में बंद कर दिया गया जो होता है पुलिस का। उर्मिला के पास शीला जाती है आंख सुजा हुआ चेहरा मुरझाया हुआ बेटी के उदास चेहरा के दिखलत कल बेटी आज का भेल रहे काहे तू उदास हल हुए का बात बात तो आपसे आंसू नहीं के रुकत बेटा का बात बा बताओ माई के हृदय तुमसे पूछ रहा है माँ पूछ रही बेटा अभी तुम्हें रोकती हुई नहीं देखी हूँ आज तू क्यों रो रही है ए भैया चट से शीला माई की चरिया में गिर गई कल की माई हे माई आज बाबूजी मिलन माई बाबूजी बाबूजी तुम्हारे पिताजी मिले हैं हाँ माई कहाँ हूँ
थाना में बंधुअन चोरी के इल्जाम में बड़ी मार पिटाई हो भाई। धन्य भारतीय नारी, गाया जाता है भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। चलती है चलती है कैसे भाई साहब, केरे औरती साजा के चलले उर्मिला मायारिया, ए बाबू नारी के परंपरा निभावे सरकार, अरे माफ कही दे तू आज गलत हम, आरती सजाकर अपने पति को चलती है, जब आरती सजाकर पतिदेव के सामने पहुंचती है माधव अपनी पत्नी को पहचान जाता है, अपनी पत्नी के चरण में जो है गिरता है बाबू, पत्नी पति को उठाकर कहती है अरे स्वामी पति के चरणों में पत्नियां का स्थान होता है, आप मुझ पर कौन सा पाप लाद रहे हैं, कहे कि ना और मिला हम तो आर आरती उतारे लायक ना है। उस समय शीला भी संग में हो, उर्मिला पूछे लगल का कि बेटे हम के बतावा का पापा थनवा कहिले, अरे कह के पिताइल बाने हम के माँ, हे माई रोज रोज भरम चोरी कर जाले, गरीब इस उर्मिला पूछती है कि तुम्हारे पिता की जुर्म में आए थाने में क्यों मार पड़ी है इतनी, शीला बताती है कि माँ इतना कृत्य कृत्य काम किए हैं, एक विकलांग लड़का स्टेशन में भिक्षा मांगता है, उसकी माँ के आंचल से रोज पैसा लेकर भागते थे, थक से जियरा केलस और मिला कलस को तुहार पिताजी मिल गए, विकलांग लड़का है कहा तो हमार दिल करता बेटी वो विकलांग गौरी के हुना हमार पिंटवे हा, हमके वो स्टेशन पर ले चला बेटी ले चला, ए दरोगा साहब हमार बेटा लागत पा हुए हमके ले चला, स्टेशन पर ले जाया गया, पिंटू भिक्षा मांग रहा है, उर्मिला पीछे आवाज देती है बेटा पिंटू, और जो पिंटू सब सुनता है बाबू, जब पीछे मुड़कर देखता है उर्मिला खड़ी है चेहरा झुरियाया हुआ है, पहचान नहीं पाता है माँ को, तब तक दड़िया वाला छुरवा संग में खड़ा, सारे फिरी आ गए, ये साहब कहा छोड़ देने करा के, बेटा धीरे रख, ये बता बेटा तेरा नाम पिंटू है, कहा माँ तू कैसे जानती है, मैं तेरी माँ हूं, देख खड़ी जो है तेरी बहन शीला है, तू पिंटू है ना, कहा तू कहानी बताना, हाँ माँ मेरा पिता मुझे चलती ट्रेन में छोड़कर चला गया, आज मैं यहाँ अकेला हूँ, एक मेरी माँ है, देखो मेरी माँ है जो मुझे पाल पोस कर बड़ी की है, दौड़ करके उर्मिला अपने बेटे को गले लगाती है बाबू, और अपने बेटे को लेकर के दो रिक्शा करती है, एक रिक्शे पर पति पत्नी और एक रिक्शे पर शीला और पिंटू को बैठाती है, रिक्शा चालू करो, पिंटू आवाज देता है कि माँ मैं अकेले किसे जाऊंगा, मेरी माँ वो प्लेटफॉर्म पर बैठी है, जब तक माँ नहीं जाएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा, उर्मिला नारी की गरिमा का भूल जाती है, उर्मिला कहती है कि भिक्षा मांगने वाली मेरे घर जाएगी, उस समय कहता है कि भिक्षा मांगने वाली तेरे घर नहीं जाएगी, तो एक आवाज देता है सुन लो, क्या आवाज दिया खड़ी कलाएंगे, बड़ी ऊंच बात तू लड़का कहलस बाबू, क्या रक्षा वाला रोग सवारी ना जाई कि जवाना साथ है हमारे धर्म के मतारी ना,
पर क्या रिक्शा वाले रुक 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 मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? जब तक को मेरी धर्म की माँ नहीं जाएगी तब मैं नहीं जाऊंगा। तू भिक्षा मांगने के लिए कहती है माँ, तू कैसी माँ है कि माँ की मर्यादा को नहीं समझती है? तो सुन ले का कि छोड़ी गई ले बाबू आईनी पटना सहरिया भिक्षा मांगी मांग के जिया वाली मतरिया। कि अनाथ पिंटू तुहारे अब दुवारी ना जाई कि जवले साथ अमर धर्म के मतारी ना जाई। कहलन कि ना आज तुम आई हो गई नी, आज तर हम बेटा हो गई नी, आज ये चलती ट्रेन में हमार बाप हमके छोड़ के चल गेलन, ये पटना शहर में हमके केहू पूछे वाला ना रहे, तो ये पटना में हमार ये माई ने हमार परवरिश कर ली। उर्मिला को एहसास हो गया कि मैंने बहुत गलत किया है। आदर सहित कैली का मास्टर कि आदर सहित बुढ़िया माई के बलावली अरे नहवा धोवा के सुंदर कपड़ा पहनावाली। कि तुहरे साथ है निर्धन भिखारी ना जाई कि जब नस्ते अमर धर्म के मतारी ना। और जब उस औरत को बुलाती हैं, कहती हैं चलो, औरत कहती है कि तुम मुझे निर्धन कहती हो, लो पैसा तुम्हें चाहिए ना, जो उन गुदरी ले रहे गुदरिया के चाकू से छीर दिलस, चाकू से छीर को गुदरिया से 80,000 रुपया कलस की पैसा ले ला, हमारा बेटा हमके दे दा। ऐसा सुगया चरणों में गिर जाती है और मिला कहती है कि बहन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। तब कबो कबो सरस्वती कभी जी कभी कभी सरस्वती जुबाप बसती है, माधो कहल रहे कि दुख दूर हो जाई जाके पटना में, तो अंतो गत्वा दुख दूर पटने में हुआ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि परिवार का मुखिया ही अपने घर का स्तंभ होता है, अगर वह चाहे तो अपने परिवार को बना सकता है, अगर वह चाहे तो अपने परिवार को बर्बाद कर सकता है। तो अंतिम भाव में कहना है कि राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे।